रविंद्रानंद सरस्वती पतमेड़ा गोदाम से और ज़्यादातर हरिद्वार में रहता हूँ और यमुना मिशन से लगभग 3-4 साल से मेरा आना जाना है और यहाँ से वृक्षारोहण सब देख करके बहुत मन प्रसन्न होता है। और यह हमने जब शुरुआत में देखा था यहाँ सब पूरा यहाँ कहीं आने का जाने का रास्ता भी नहीं था, खड़े होने का मन भी नहीं करता था, इतनी गंदगी थी यहाँ, नालों की गंदगी और कचड़े कूड़े कचड़े सब, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। आज यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे अलग ही एक वातावरण में आए हैं। जैसा कि पुराने प्राचीन काल में जो वृंदावन की कल्पना है, वृंदावन मतलब तुलसी का वन, उसी प्रकार अब यहाँ आने के बाद में ये यहाँ तुलसी वन निर्माण होगा और तुलसी वृक्ष सब बीच बीच में सब लगे हैं और तुलसा जी विराजमान है और सुंदर सुंदर वृक्ष और फूलों की ये सब बगीचा सब देख करके और सुंदर वातावरण को देख करके यहाँ का जो मार्ग इन्होंने बनाया, रास्ता बनाया, उसमें हजारों लोग रोज़ आते हैं ये सब दर्शन कर करके। वृंदावन में आने के बाद में यहाँ का सब दर्शन करके ऐसा लगता है कि हम अलग ही एक वातावरण में पहुँच के यहाँ का आनंद, यहाँ का वातावरण, यमुना जी का दर्शन, और ऐसा लगता है कि यमुना जी यहाँ प्रफुल्लित होकर के और बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इससे भी बहुत सुंदर यहाँ का जो यमुना जी का किनारे का वातावरण बदलेगा और सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और जनता का भी यहाँ का वातावरण को बनाने में सबका सहयोग चाहिए। सभी मिलकर के यहाँ वातावरण निर्मित करेंगे तो ऐसा लगेगा बाहर के लोगों को, आने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम वृंदावन में आए थे, मथुरा में आए थे, यहाँ के सब दर्शन करके यमुना उनको घर जाने में बहुत आनंद के साथ, उल्लास के साथ, एक उमंग के साथ यहाँ का एक सुंदर वातावरण को दर्शन करके और यहाँ से अपने घर प्रस्थान करेंगे। जय गो माता, जय गोपाल।